किसी भी केक को बहुत कम समय में, बहुत कम कॉस्टिंग में अगर डेकोरेट करना चाहते हैं तो इसे आप गनाश से पोर कर दीजिए, डेकोरेट हो जाता है। आज मैं आपको बिना चॉकलेट के गनाश बनाना बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशाज स्पेशल किचन। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो कोई भी आप पैन ले लीजिए, जिसको कि आप गैस पे कुक करेंगे सामान डाल के, तो कुक हो सके आराम से। तो देखिए, सबसे पहले मैं ले रही हूँ चीनी। तो ये मैंने आधा कप चीनी ली है। इसको देखिए मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया था, ये पूरी ग्राइंड नहीं हुई है, हल्की सी दरदरी है। आप कैसे भी चीनी ले सकते हैं, दरदरी भी या आप खड़ी चीनी भी ले सकते हैं। और इसमें मैं आप कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ, तो मैंने 3 बड़े चम्मच कोको पाउडर डाला है। आप चाहे 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ कॉर्नफ्लोर। तो मैंने देखिए ये कॉर्नफ्लोर जो है 2 चम्मच डाला है, आप 1 चम्मच भी डालेंगे ना तब भी चल जाएगा, इससे काफ़ी सारा गनाश बन के रेडी हो जाएगा। अब इन सभी चीज़ों को हमने देखिए मिक्स कर लिया, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा या तो आप दूध भी डाल सकते हैं या आप पानी भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1 कप दूध लिया है ना आपके, आप अगर दूध की जगह पानी डालना चाहें तो आप 1 कप पानी ले लीजिए और इसको थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ऐसे मिक्स करने से क्या होगा, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हम पूरा 1 कप दूध धीरे धीरे करके डाल देंगे और एक देखिए लिक्विड इस तरह से बना के तैयार कर देंगे। अब थोड़ा सा दूध मैंने और डाल दिया, इस तरह से फिर मिक्स कर दूंगी और फिर दूध डाल दूंगी। इस तरह से मैं दूध डालते हुए इसे मिक्स करती जाऊंगी। देखिए जब इस तरह से हम गनाश बनाते हैं ना, बहुत ही आसानी से, बहुत कम समय में और ढेर सारा गनाश बन जाता है। इतना बन जाता है कि आप 2-2 केक पे डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए जब हम चॉकलेट से गनाश तैयार करते हैं तो एक तो बहुत कम क्वांटिटी में बनके रेडी होता है और चॉकलेट बहुत कॉस्टली आती है, इसलिए गनाश जो है हमें बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन आप जब इस तरह से कोको पाउडर से इसे रेडी करेंगे ना, तो बहुत सस्ते में और ढेर सारा गनाश बनके रेडी हो जाएगा। इतना बन जाएगा कि आप 2-2 केक में इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब देखिए गैस की फ्लेम पर मैंने ये मिक्सचर जो है ये चढ़ा लिया है, सारा दूध मैंने डाल लिया था, मिक्स कर लिया था। और गैस की फ्लेम को आपको लो टू मीडियम ही रखना, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो ये गनाश चल जाएगा। और आपको इसे कंटिन्यू चलाना है, अपने हाथों को बिल्कुल भी नहीं रोकना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी थिक होने लग जाता है। देखिए आपको दिख रहा होगा 2 से 3 मिनट हुए हैं और ये जो हमारा गनाश है कितना थिक होने लग गया और इसका कितना प्यारा कलर भी आ रहा है, बहुत कलरफुल बनके तैयार होता है। बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर भी लगता है, बहुत बढ़िया ये लगता है खाने में। तो इस तरह से आप जब भी गनाश बनाना चाहें तो आप कोको पाउडर से ही बनाइएगा, आप देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और ज़बरदस्त गनाश इस तरह से बन के रेडी होता है। अब देखिए जो हमारा गनाश है ये बिल्कुल रेडी है, ये पोरिंग कंसिस्टेंसी का बन चुका है। बस इतना ही हमें पकाना होता है, गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी मैं आधा मिनट तक इसको इस तरह कंटिन्यू चला लूँगी। अब देखिए आधा मिनट तक मैंने इसको इसी तरह से मिक्स कर लिया है और अभी भी ये बहुत गर्म है, इसे ठंडा होने में थोड़ा सा समय लगेगा रूम टेम्परेचर पे आने में। तो मैं इस पैन से किसी पॉट में इसे डाल लेती हूँ। तो देखिए मैंने एक पॉट में इसको रख लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कितना परफेक्ट, कितना स्मूदी ये हमारा कोको गनाश बन के रेडी हुआ है। जब भी आप केक डेकोरेट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप गनाश बना के डेकोरेट कर सकते हैं, या आपका केक्स भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। कप केक्स को इसमें डिप कर दीजिए और आपके जो केक पे है कोटिंग हो जाएगी, बहुत ही लाजवाब शानदार आपके केक बन के रेडी होंगे। बहुत कम कॉस्टिंग में, बहुत कम टाइम में, बहुत कम सामान में इतना परफेक्ट कोको गनाश बनके आपका रेडी हो जाता है और आप अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। आज की रेसिपी आपको उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।